मास मास राजा हो जरा उठा के मार बैंड बाजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। यहां पे देखिए मूवी कनेक्ट और मूवी लाठी 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी और दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 4 दिन कंप्लीट हुई है। तो इस वीडियो के अंदर लाठी और कनेक्ट मूवी के 4 दिनों के टोटल कलेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ मूवी बैदा और मूवी धमाका रिलीज के आज पूरे 3 दिन कंप्लीट हुई है। तो इस वीडियो के अंदर बैदा और धमाका मूवी के 3 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बताएंगे। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें शिवराज कुमार सर की मूवी कन्नडा मूवी बैदा के बारे में, तो दोस्तों बैदा मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 15 करोड़ रुपए। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी ने अपने दूसरे दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1 करोड़ 52 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज से संडे यानी पूरी तरह से हॉलीडे होने के कारण आज इस मूवी के कलेक्शन ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलता है। रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार बैदा मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे मल्टी भाषाओं के साथ जो नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 2 करोड़ रुपए। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 5 करोड़ 2 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 6 करोड़ 50 लाख रुपए। ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की बात की जाए, तो दोस्तों इस मूवी ने बैदा मूवी ने अपने इन 3 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है इंडिया के बाहर से वो लगभग 60 लाख रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे मूवी ने अपने 3 दिनों में इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन की है पूरे 6 करोड़ 50 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 3 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 60 लाख रुपए। यानी शिवराज कुमार सर की मूवी बैदा ने अपने इन 3 दिनों में टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की है पूरे 7 करोड़ 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है बैदा मूवी के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 7 करोड़ 10 लाख रुपए। अब अगर बात करें दोस्तों रॉबी तेजा यानी मास महाराजा रॉबी तेजा सर की मूवी धमाका के बारे में, तो दोस्तों धमाका मूवी सिर्फ 3 दिनों में ही सुपर हिट वाला बजट अपने नाम कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के टोटल बजट है पूरे 25 यानी 25 करोड़ रुपए। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 6 करोड़ 70 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी ने अपने दूसरे दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज संडे ऊपर से क्रिसमस डे, तो कलेक्शन थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलता है। आज जो कमाई होने लगे हैं धमाका मूवी के इंडिया बॉक्स ऑफिस पे पूरे 8 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 21 करोड़ 70 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हुई है पूरे 26 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कमाई की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने इन 3 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से वो पूरे 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे मूवी ने अपने 3 दिनों में इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन किया है पूरे 26 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 3 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 2 करोड़ रुपए। यानी मास महाराजा रॉबी तेजा सर की मूवी धमाका ने अपने इन सिर्फ 3 दिनों में ही टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर ली है पूरे 28 यानी 28 करोड़ रुपए।
जी हाँ दोस्तों, यही है धमाका मूवी के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन, जो कि हुई है पूरे 28 करोड़ रुपए। और इसी के साथ दोस्तों धमाका मूवी सिर्फ 3 दिनों में ही सुपर हिट वाला बजट अपने नाम कर लिए हैं और आगे चल के और भी कलेक्शन होना बाकी है। और यहाँ पे बात की जाए अनदर मूवी तमिल मूवी लाठी मूवी के बारे में, विशाल सर की मूवी लाठी मूवी, जो मूवी रिलीज के आज पूरे 4 दिन कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों लाठी मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 15 करोड़ रुपए। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1,75,00,000 रुपये। वही दोस्तों मूवी ने अपने दूसरे दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1,43,00,000 रुपये। और मूवी ने अपने तीसरे दिन पे यानी कल इस मूवी ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कमाई कर लिया था पूरे 1,95,00,000 रुपये। बात की जाए दोस्तों आज के कलेक्शन की यानी मूवी के 4th दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज मूवी जानकारी के अनुसार इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कमाई करने लगे हैं पूरे 1,90,00,000 रुपये। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के 4 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 7,02,00,000 रुपये। वही दोस्तों मूवी के 4 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन हुई है पूरे 9 करोड़ रुपये। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कमाई की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने इन 4 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है इंडिया के बाहर से पूरे 1,20,00,000 रुपये। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने अपने 4 दिनों में इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन की है पूरे 9 करोड़ रुपये, वहीं दोस्तों मूवी ने 4 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 1,20,00,000 रुपये। यानी विशाल सर की मूवी लाठी ने अपने इन 4 दिनों में टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की है पूरे 10,20,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यही है लाठी मूवी के 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन, जो कि हुई है पूरे 10,20,00,000 रुपये। अब अगर बात की जाए दोस्तों लेडी सुपरस्टार नयनतारा मैम की हॉरर मूवी कनेक्ट मूवी के बारे में, तो दोस्तों कनेक्ट मूवी के कलेक्शन को बताने से पहले आपको बता दूं इस मूवी ने सिर्फ 4 दिनों में ही क्लीन हिट वाला बजट अपने नाम कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के टोटल बजट है पूरे 10 करोड़ रुपए, लेकिन कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 2 करोड़ रुपए। मूवी ने अपने दूसरे दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1,66,00,000 रुपए। और मूवी ने अपने तीसरे दिन पे यानी कल इस मूवी ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कमाई कर लिया था पूरे 2,59,00,000 रुपये। बात की जाए दोस्तों मूवी के 4th दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज संडे होने के कारण आज भी कलेक्शन ग्रोथ ही देखने को मिलता है। आज जो कमाई होने लगे है कनेक्ट मूवी के वो लगभग 2,40,00,000 रुपये। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के 4 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं वो होते हैं पूरे 8,65,00,000 रुपये, जबकि 4 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 10 करोड़ रुपये। ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने 4 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है इंडिया के बाहर से वो लगभग 1 करोड़ रुपये। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने 4 दिनों में टोटल इंडिया पे ग्रोस कमाई कर ली है पूरे 10 करोड़ रुपये, वही दोस्तों मूवी ने 4 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 1 करोड़ रुपये। यानी लेडी सुपरस्टार नयनतारा मैम की मूवी कनेक्ट ने अपने 4 दिनों में टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की है पूरे 11 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, यही है कनेक्ट मूवी के 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन, जो कि हुई है पूरे 11 करोड़ रुपये। और इसके साथ दोस्तों मूवी हो चुकी है क्लीन हिट मूवी। तो दोस्तों यही थे चारों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इन चारों मूवी में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय दोस्तों।